टीम कमलेश जी जायसवाल, उनके पिताजी ओपी जी जायसवाल और जितने भी अतिथिगण हैं जो यहाँ पर अपना कीमती और अमूल्य समय दे करके यहाँ पर आए हैं, ये दादा दादी नाना नानी प्रोग्राम को जो सम्मानित करने के लिए, उन सभी का दिल से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मैं कविता शिवपुरी मुंबई से, मैं समाज सेविका हूँ और मैंने जितना भी ये देखा है आप लोगों का, तो ये मैंने डोमेस्टिक वायलेंस पर मैं काउंसलिंग करती हूँ और मैंने देखा कि यहाँ पर दिल को छू लेने वाले कुछ यहाँ पर जो एक्ट बताए गए हैं, जो नाटक के रूप में दिखाया गया है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक केस बनकर हम लोगों के सामने आता रहता है। और जिस तरह से यहाँ के बहुत सारे लोगों ने बताया है, दैनिक भास्कर के जो संपादक जी हैं वो और मारू जी, इन दोनों को मैंने सुना कि किस तरह से ये सारी चीज़ें सब हो रही, बहुत सहमत हूँ मैं इनकी बातों से। बहुत विकृत समाज और सोच होती जा रही है और नागदा में इस प्रकार की कोशिश आदित्य विद्या मंदिर की तरफ से जो हुई है बुज़ुर्गों को सम्मान देने की, उनके जो पोता पोती हैं उनकी नज़र में उनकी कीमत बताने की, उनकी अपनी क्या कीमत है उनकी ज़िंदगी में ये बताने की, दर्शाने की जो एक कोशिश एक प्रयास हुआ है वो वाकई काबिले तारीफ है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इतनी दूर से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आई और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसी सोच सभी को अब रखनी होगी। सिर्फ ये आदित्य विद्या मंदिर के ये कमलेश जी जायसवाल की जिम्मेदारी नहीं है, ये SDM साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज सेवक लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी घर से शुरू होती है जो बाद में ये सड़कों पर जाती है और एक खबर बन करके अखबारों में कोने में पड़ी रह जाती है। आज हम लोग अगर वाकई में अपने बच्चों को ये सिखाए कि बेटी पराया धन नहीं है, वो पराया धन नहीं, वो अपने घर जाने वाली है, ये सारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम ये सारे सब परेशानियां जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कार में जो हम बेटियों को देते हैं उसका परिणाम उभर कर आता है। बहू से हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत अच्छी और बहुत आज्ञाकारी बहू आए, पहले आप अपनी बेटी को आज्ञाकारी बनाइए, उसके अंदर आप ससुराल के लिए भाव जगाइए, तब कभी किसी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।